बताइए सुमित। शिखरा डिम्पी, मेडिकेयर फार्मा स्पेस से शेयर चुना गया है, ब्लिस जीवीएस को चुना है। कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स में एक स्ट्रांग मूव की उम्मीद है। करीब करीब 3 से 4 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है इस क्वार्टर के लिए, एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, एक कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल कारोबार के अंदर है, हेल्थ केयर में कंपनी कई बिजनेस है जिसमें सोप है, शैम्पू है, ऐसे कई एंसिलरी प्रोडक्ट्स भी हैं जो ये कंपनी बनाती है, और स्पेशली मेडिकेटेड सोप और शैम्पूज जो है वो कंपनी बनाती है। एक स्ट्रांग डिमांड है और इसका इंपैक्ट भी है। पिछले अगर 3 साल के नंबर्स देखें तो एनुअलाइज बेसिस पे करीब करीब 25% की सालाना ग्रोथ कंपनी ने दी भी है पिछले 3 सालों में लगातार, और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में, यानी कि जो पिछले पूरे वित्त साल में कमाया था उतना इस तीन तिमाही के अंदर ही कंपनी कमा चुकी है। तो इस साल के नंबर्स जो है वो और बेहतर आने की अनुमान लगाया जा रहा है FY17 के लिए। तो एक अच्छे आंकड़े तो आ ही सकते हैं नंबर्स के लिहाज से। प्रमोटर करीब 60% के आसपास स्टेक ओन करते हैं और एक स्ट्रांग डिविडेंड पे ऑफ भी कंपनी लगातार करती आई है। शेयर वैल्यू वाइज भी देखिए तो एक जो FY18 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 8 रुपए के आसपास की ईपीएस और 21 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा स्पेस जो है मिड कैप फार्मा स्पेस में करीब 38 के मल्टीपल पर कामकाज कर रहा है। तो वैल्यू वाइज भी देखिए तो सेक्टर कंपेरिजन थोड़ा बेहतर पोजिशन में दिखाई पड़ रहा है, और इन्हीं ट्रिगर्स को लेते हुए जो रिपोर्ट रिफर किया उनका मानना है करीब करीब 200 रुपए तक की चाल भी इस शेयर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए इस पर नज़र रखिएगा, ब्लिस जीवीएस 175 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए। गौतम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम, लाइक यू सेड, यू नो वी आर इन मिडस्ट ऑफ अ ग्रेट इंडियन बुल मार्केट। नाउ एट दिस पॉइंट आप यू नो इवन इफ यू लुक एट इट सेक्टोरली, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी। अब यहाँ से इस बुल मार्केट को और एक्सटेंड करने के लिए विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर और अ बुल आई वुड से एट दिस पॉइंट? Well, no rocket science. It has to be the banking. I think the banking space has been a phenomenal performer in the last 6 to 8 months. I think from the lows of 6 months back, the Bank Nifty is up almost 30%. But what is interesting to note that every time some of these sectoral indices turn overbought, instead of correcting, they actually just turn sideways. Look at what has happened in the last 10 days. The Bank Nifty got to that level of 21,500. It was a little overbought, but it just got into that range of about 500 points for about 7 days, and that sideways trading, you know, took away the overbought tag, and yesterday you had a breakout from that particular range. So I get lot of positivity from the banking chart, and within the banking space itself, I think the PSU banks are likely to see a monster rally. You know, you might say that it's already up quite a bit in the last 2 months, but if you look at the last 5 years, and if you compare PSU banks vis-a-vis some of the other segments of the market, I think there is a lot more upside. Many of the smaller PSU banks can actually double in value over the next 6 to 9 months. And some of the larger names in the PSU space can give you anywhere between 30 to 50%. So there is going to be gross outperformance from this space. And I think it's the PSU banking space which is likely to lead this big bull market that you're going to see in Indian markets. And because of that, the Bank Nifty can actually go substantially higher. In fact, we ourselves do not believe it when we look at the charts, but we are getting a target as high as 25,000 on the Bank Nifty, and we expect these levels to be achieved by the end of this year. So given that, if your frontline index is going to give you 20%, imagine what some of these stocks are going to give you, and therefore investors are strongly recommended to have a sizable position of your portfolio into some of these stocks. इस बीच मिहिर वोरा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिहिर, मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कैसा लग रहा है मार्केट आपको इस समय? मार्केट हैज रन अप क्वाइट शार्पली, तो ये जो इतना शार्प मूवमेंट हमने जो देखा है लास्ट 3 मंथ्स में, तो वैल्यूएशन जो है थोड़े एक्सपेंसिव जोन में चले गए हैं, ट्रेडिंग एट अबाउट 17.5 टाइम्स ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस। सो दीज आर लेवल्स एट विच यू नो द मार्केट्स नीड समथिंग एक्स्ट्रा और एटलीस्ट डिलीवरी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम फॉर द मार्केट्स टू सस्टेन। सो आई वुड बी अ लिटिल बिट कॉशियस एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, मेरी कॉशियसनेस कहाँ पे आपको दिख रही है? ये आईटी में ज़्यादा दिख रही है, ये फार्मा में टिपिकली ज़्यादा दिख रही है जो कि परफॉर्म ही नहीं कर पाए अभी, या फिर कोई और सेक्टर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियसनेस आपको बढ़ानी होगी?
नहीं, आईटी फार्मा तो सेक्टर्स हैं जो चले ही नहीं है, तो उनमें तो डाउन साइड लिमिटेड हो गई, बिकॉज रिलेटिव टू द मार्केट तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं लास्ट काफ़ी सालों में. सो जो लीडिंग सेक्टर्स हैं, साइक्लिकल्स हैं, जो फिनेंशियल्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो हमने बहुत ही अच्छा रन देखा है लास्ट एक साल में और स्पेशली इन द लास्ट तीन चार महीने में, तो इसमें थोड़ा वैल्यूएशन फ्रॉथ दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं. इस बीच मिड कैप इंडेक्स हैज क्रैक्ड, आधे परसेंट से ज़्यादा की गिरावट है यहाँ पर, और कुछ एक स्टॉक्स हैं जैसे अदानी पावर 5.5% नीचे है, अपोलो टायर्स, आरबीएल बैंक, सीएट, एमआरएफ टायर स्टॉक्स सारे ही नुकसान में हैं, रिलायंस पावर 1.5% नीचे है, करूर वैश्या बैंक, यूनाइटेड ब्रूरीज, बीईएल, इन पर नुकसान है, आरईसी करीब 1.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है. एक बार कर्नाटका बैंक को देखते हैं. कर्नाटका बैंक पर एक क्लैरिफिकेशन आया है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, और ICICI ने यह कहा है कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स थे दैट ICICI बैंक हैज अक्वायर्ड 1.09% स्टेक, वो एक्चुअली उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि ये वो शेयर्स हैं जो बैंक ने इक्विटी ब्रोकर्स के बिहाफ पे एज अ सिक्योरिटी रखे हुए थे एक्सचेंज में क्लियरिंग और सेटलमेंट बिजनेस के लिए. तो ये ICICI बैंक का एक्विजिशन या फिर स्टेक बाय नहीं है, ये जो ब्रोकर्स हैं उनके बिहाफ पर उन्होंने एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ था, तो ये क्लैरिफिकेशन भी उनकी तरफ से आया है. खैर, मिड कैप में जो क्रैक है इस समय निफ्टी में भी आप देखिए 30 अंकों का क्रैक, निफ्टी में तो क्रैक है ही, अभी ये देखिए 9200 के नज़दीक ये जा रहा है. लेकिन यू नो गौतम, कमिंग बैक टू यू, इनफैक्ट यू नो व्हाट यू मेंशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में कि कोई एक मेजर करेक्शन या फिर मेजर प्रॉफिट टेकिंग या सेल ऑफ एटलीस्ट अभी तक मार्केट में देखने को नहीं मिला है. व्हाट वी हैव सीन इज दैट देर हैज़ बीन अ रोटेशन इन मार्केट, जो लीडर्स हैं वो वन बाय वन साइडवेज हुए हैं और वहां पर टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा हुआ है. ये मोड आपको कंटिन्यू होता दिख रहा है क्या? Looks like Mihir, I think that's the evidence that we have on the charts. You know, a free-flowing bull market is the strongest form of a bull market. And I think even if you look at the 2003-2007 bull market, even in those in that period, you had many 10% kind of a corrections. But this is something very different, much more stronger. In fact, I was personally of the view when the Nifty got to 9,000 that it needs to give back about 5% before it can actually break out above 9,000. But the UP election results, you know, the state election results was just a catalyst for the market to take out that number. And as I said, you know, the base has become higher. And if you notice, every time the market has turned overbought, it has just got sideways for a few days. Even a 50-100 point correction is just not happening, you know, despite the fact that global markets have been slightly volatile in the last one and a half weeks. And the good thing is that the news flow has been very conducive. You know, almost on a daily basis, Asian markets are closing flat or they're closing positive. Indian politics, I think, is for a change, giving you good news almost on a weekly basis. So I think these are factors that will help the markets sustain above support levels. And obviously, people talk about the SIP money and the domestic money. And I think these are issues which will not allow the Nifty to go, you know, below levels of 9,000. And that's the reason I'm strongly of the opinion that even at 9,100, you should be a buyer in this market. I think good news will follow. PSUs कंपनीज पे क्या करना चाहिए? टिपिकली गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है ना, एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है. फर्स्ट तो सोशल स्कीम के हिसाब से कुछ वो कर्ब लगा रही हैं, चाहे वो टबैको पे हो, चाहे वो लिकर पे हो, और दूसरा जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उनको शायद थोड़ा और ऑटोनॉमी देना चाहती है, मे बी वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकता है. ये PSUs कंपनीज पर आपका व्यू क्या है? मिहिर सॉरी, आई वाज द क्वेश्चन वाज नॉट वेरी क्लियर, कैन यू रिपीट दैट प्लीज? हाँ, एक्चुअली PSUs कंपनीज पे क्या आपका व्यू है? दो हिस्सों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज अ कर्ब जो कि गवर्नमेंट लगा रही है सोशल स्कीम्स के तहत, एंड सेकंड ऑपरेशनली इसको ठीक करने के लिए विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का पॉइंट उठाया जा रहा है. कितना ठीक लग रहा है पूरा सेक्टर आपको? सॉरी
सो इसमें देर आर वेरियस काइंड ऑफ पीएसयूज ऑफ कोर्स. अगर पीएसयू बैंकिंग देखें तो अभी दे आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स. जो एनपीए प्रॉब्लम्स हैं उनका रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी डिले हो गया है. वेरियस स्कीम्स हैव बीन फ्लोटेड, यू नो द रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, द S4A एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन जो प्रोग्रेस है काफ़ी स्लो है. जिस तरह से हेयर कट्स लेने चाहिए, जिस तरह से स्पीडी रिकवरी करनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है. तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तो ये पीएसयू बैंक का जो सेगमेंट है उसमें तो हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, बिकॉज कैपिटल कंस्ट्रेंट रहेंगे एंड दैट स्पेस ऑफ कोर्स विल बी फिल्ड इन बाय द प्राइवेट सेक्टर. एज फार एज द अदर पीएसयू आर कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल इन द ओएमसीज वी आर पॉजिटिव. वी आर पॉजिटिव बिकॉज इसमें जो फ्रीडम ऑफ प्राइसिंग दी गई है एंड वी आर सीइंग लेस इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, एंड इफ दैट कंटिन्यूज देन वी हैव गुड विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. एंड गिवन दैट विजिबिलिटी द अर्निंग्स आर स्टिल सॉरी द वैल्यूएशंस आर स्टिल क्वाइट कीप. तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे हमारा व्यू यू नो पॉजिटिव है. In certain of the other PSUs like the ones in electronics and defense and all, again there is a robust order booking happening, so we tend to be positive on that. So we are not looking at PSUs as a segment per se, but looking at each and every company separately. इस बीच एक बार लेकर स्टॉक्स को देखते हैं. You know, news flow has been negative. Gautam, liquor stocks, you know, suddenly the negativity is so high. और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इनके लिए इतना चैलेंजिंग है, इनके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? Well, we off late we haven't been tracking them very closely, Mihir, because I don't think there is an opportunity. Mm-hmm. And given the kind of news flow that we've had in the last few weeks, you know, it's very difficult to play this sector comfortably. So I would rather recommend this space from a day-to-day perspective. And I think there are so many better sectors in the market, you know, that are buzzing with activity: capital goods, power, tire, cement. You know, so I would rather look at them than look at liquor in the current market scenario. Mm.